वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम फाइन आर्ट्स प्लस टू क्लास की एक पेंटिंग रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, इस पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द पेंटिंग इज रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन। आर्टिस्ट इज राज रवि वर्मा। पीरियड इज मिड 19th सेंचुरी एडी। द मीडियम इज ऑयल ऑन कैनवस, कॉटेजी, ललित कला अकेडमी, न्यू दिल्ली। एंड कलेक्शन इज चित्रशाला, मैसूर। लेट्स डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग। दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन एन एपिसोड ऑफ वाल्मीकि'ज रामायण। तो वाल्मीकि के द्वारा रिटन रामायण में से ये एक एपिसोड की पेंटिंग ली गई है, एक एपिसोड को शो करती हुई पेंटिंग ये बनाई गई थी। आफ्टर प्रिपेयरिंग हिज फोर्सेज फॉर इन्वेडिंग लंका टू रिकवर सीता, रामा वॉज हेल्ड अप बाय द सी एंड हिज आर्मी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम लंका। लंका पर अटैक करने के लिए और सीता को रिकवर करने के लिए रामा अपनी फोर्सेस को प्रिपेयर करके वहाँ पे अटैक करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उनको सी के द्वारा रोका गया था, एक समंदर के द्वारा रोका गया था और उनकी आर्मीज को लंका से सेपरेट कर दिया था। अटेम्प्ट्स टू बिल्ड अ ब्रिज वर फेल्ड बाय द एंग्री ओशन। जो भी अटेम्प्ट्स की गई थी ब्रिज बनाने के लिए, उस समंदर में ब्रिज बनाने के लिए, तो वो एंग्री ओशन के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी, उनको असफल बना दिया गया था। रामा थ्रेटन्ड वरुणा द गॉड ऑफ ओशन दैट ही वुड डिस्ट्रॉय हिम इफ ही डिड नॉट अलाउ द ब्रिज टू बी बिल्ट। तो उस वक्त रामा ने उनको धमकी दी थी गॉड ऑफ ओशन को, वरुणा को, तो धमकी देने के टाइम की यह पेंटिंग बनाई गई है, उस टाइम की उनके गुस्से की पेंटिंग ये बनाई गई है। दैट ही वुड डिस्ट्रॉय हिम, कि अगर उन्होंने उनको ब्रिज बनाने के लिए अलाउ नहीं किया तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओनली देन हिज फोर्सेज कुड क्रॉस द ओशन टू रीच लंका। तो उसके बाद ही उसकी फोर्सेज हैं जो वो लंका पहुंच सकती हैं अगर वो ब्रिज बना के उस ओशन को क्रॉस करेंगे तो। Now the description of this painting. This painting, Rama vanquishing the pride of the ocean, shows Rama's anger at the god of the sea for not cooperating in his attempts to build a bridge to Lanka. तो लंका तक उन्होंने एक ब्रिज बनाना था और उसमें वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे, गॉड ऑफ द सी कॉपरेट नहीं कर रहे थे और उस पर वो गुस्से हो गए थे और उसी सीन को दिखाती हुई ये पेंटिंग बनाई गई थी। The unbeatable Rama picks up his bow in anger at the sea god and is ready to place an arrow at the string. तो उसी गुस्से में उन्होंने एक वो बो उठाया अपना और उसमें एक एरो स्ट्रिंग पे डालने के लिए वो रेडी थे। At this, Varuna along with his companions rushes to pacify Ram. तो उस पे गॉड ऑफ सी थे जो, गॉड ऑफ ओशन थे जो, वो उनको पैसिफाई करने के लिए आगे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो, पिक्चर में जो गॉड ऑफ द सी वो आगे आ रहे हैं, उनकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। एंग्री राम इज स्टैंडिंग स्टर्नली, हिज फेस शोन इन प्रोफाइल विद आईज पॉपिंग आउट। तो वहाँ पे राम गुस्से में, बड़े सीरियस मूड में वहाँ पे खड़े हुए दिखाए गए हैं इस पेंटिंग में और साथ में अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग इन द डार्क क्लाउडी स्काई एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ द अपकमिंग रेज ऑफ राम। तो वहाँ पे जो लाइटनिंग दिखाई गई है इस पिक्चर में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, तो क्लाउडी स्काई में वो लाइटनिंग दिखाई गई है, वो और भी उस गुस्से को इफेक्ट दे रही है, उसको एनहांसमेंट दे रही है। This movement of action is frozen in this painting with
कंट्रास्टिंग बैलेंस एंड डायनामिज्म एट द सेम टाइम। तो इसी एक्शन को फ्रोज किया गया है, इसमें इसी एक्शन को फ्रोजन फॉर्म में इस पेंटिंग में दिखाया गया है विद कंट्रास्टिंग बैलेंस एंड डायनामिज्म। कंट्रास्टिंग बैलेंस है, हर एक चीज़ का कंट्रास्ट अलग से दिखाया गया है इसमें। देयर इज टर्बुलेंस इन द वेव्स वेयर द एनर्जाइज्ड फिगर्स ऑफ द सी राइज फ्रॉम द वाटर। द वेव्स हिटिंग द रॉक्स एट द शोर वेयर राम स्टैंड्स फॉर्म थिक फॉर्म। तो जहाँ पे वेव्स हैं, जो जहाँ पे राम खड़े हैं वहाँ पे वेव्स टकरा रही हैं आके और थिक फॉर्म बना रही हैं, जो कि इस पेंटिंग में दिखाया गया है। द पोस्चर ऑफ द फिगर्स एंड देयर फ्लटरिंग गारमेंट्स डिपिक्ट द स्टॉर्मी एटमोसफियर। तो स्टॉर्मी एटमोसफियर को शो किया गया विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ्स ऑल्सो, विद द हेल्प ऑफ गारमेंट्स ऑल्सो। गारमेंट्स इसमें जैसे दिखाए गए हैं, तो स्टॉर्मी सी को दिखाया गया है यहाँ पे। ड्यू टू दिस कमोशन डिसऑर्डर, कमोशन मीन्स डिसऑर्डर, देयर इज फ्रॉथ इन द मिडल ऑफ द कंपोजिशन। तो इसमें साथ में फ्रॉथ इन द मिडल दिखाए गए हैं, फ्रॉथ जो बबल्स हैं पानी के बने हुए वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं इस पिक्चर में, इस पेंटिंग में। द कंट्रास्ट बिटवीन द टेक्सचर्स ऑफ द सॉलिड रॉक्स वेयर राम इज स्टैंडिंग एंड द एंशियस सी इज राइटली पोर्ट्रेड। तो यहाँ पे जो रॉक्स पे, सॉलिड रॉक्स पे जहाँ पे राम खड़े हैं, उसका टेक्सचर्स अलग से दिखाए गए हैं, बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। कलर स्कीम ऑफ दिस पेंटिंग, राज रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द पायनियरिंग आर्टिस्ट हु बिगैन टू यूज ऑयल कलर्स एज द मीडियम ऑफ द आर्ट अंडर यूरोपियन इन्फ्लुएंस। तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस में जो ऑयल कलर्स का यूज एज अ मीडियम ऑफ आर्ट किया था, तो राज रवि वर्मा वॉज वन ऑफ दोज आर्टिस्ट। इन दिस पेंटिंग कलर्स आर वार्म एंड म्यूटेड विद मोस्टली ब्राउन येलो एंड ऑरेंज टोन्स। ब्राउन येलो और ऑरेंज टोन से म्यूट किए गए हैं कलर्स को और वार्म कलर इसमें यूज किए गए हैं। वाइट इज स्किलफुली यूज इन द लाइटनिंग, तो लाइटनिंग में वाइट कलर यूज किया गया है, जो कि क्लियरली इस वार्म कलर के कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। राम्स लॉइन क्लॉथ हिज ओनली गारमेंट एंड द फ्रॉथी सी। लॉइन क्लॉथ होता है जो, दैट इज यूज टू टाई बिलो द वेस्ट। द थ्री फिगर्स ऑफ द सी आर कलरफुल, इट इज मोस्टली द प्ले ऑफ टेक्सचर्स दैट हैज अ मेजर रोल टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड इफेक्ट। इसमें टेक्सचर का रोल अलग से दिखाई दे रहा है डिजायर्ड इफेक्ट को इसमें पेंट करने के लिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन राज रवि वर्मा की इस पेंटिंग के बारे में, जो कि बेस्ड है वाल्मीकि रामायण की एक इंसिडेंट से। और भी ऐसी वीडियोस के लिए, एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को 24/7 एपी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिल सकें। और हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसका लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से वो वीडियोस इजीली देख सकते हो। थैंक यू।